हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और ये है भाई हमारा फार्म टुगेदर का एक नया एपिसोड। देखो यार, ये एक नया गेम हम जो लेके आए हैं, ये काफी मस्त गेम है। इसमें यार ज्यादा कुछ नहीं है कि मतलब आप फार्मिंग वार्मिंग कर सकते हो काफी अच्छी तरीके में। और भाई आपके ऊपर बात है कि आप इसको कितना बड़ा इसको बना सकते हो, ये सब चीजें आप ही के ऊपर है। तो हमें भाई यहाँ पे अपने लिए हमने कुछ फील्ड जो है उनको उगाया है। और देख सकते हो भाई आप लोग कि यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं कि हमें कुछ चीजें हम कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी यार ये नया नया है तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा ऐसी खास नॉलेज है नहीं, तो उसके लिए यार मुझे ना इसके साथ धीरे धीरे इस गेम में जुड़ना होगा, ठीक है। और इसके यार ग्राफिक्स थोड़े ऐसे ही हैं कि मतलब आप लोग ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस ना करें कि हाँ हाई ग्राफिक्स हैं तो ज्यादा ही अच्छा होगा, ओवर ही अच्छा होगा, तो ऐसा भी खैर कुछ नहीं है। तो मुझे ये सबसे मस्त लगता है इसका भाई, जो ये कलेक्ट करने का इसका स्टाइल है, मुझे ये काफी अच्छा लगता है और ये वाला मस्त है। तो भी भाई जो हमने कैबेज इसके अंदर उगा रखी है इनको हम कर लेते हैं। ये हमने कैरेट उगा रखे भाई यहाँ पे, ये रही, ठीक है। हमने यहां से भाई सारी सारी कैरेट और सारी सारी कैबेज जो है वो कलेक्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं भाई। और यहाँ पे क्यू से जो है वो ये रही हमारी बकेट भाई, के मतलब इसके अंदर हमने क्या उगाया क्या नहीं उगाया, हर एक फल के लिए इसके अंदर है वो चीज, ठीक है। सी से थोड़ा कैमरे को हम जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। आर यू वांट टू रिसाइकल दिस टाइल, नहीं हम इसे नहीं हटाना चाहते। हाँ हम भाई जिसे हटाना चाहते हैं हम उसको हटा देंगे। ये रहा भाई, इसको मैं रिसाइकल कर देता हूं कि मतलब मैंने ये गलती से बोई थी तो मैंने भाई इसको हटा दिया यहां से। तो अभी मैं भाई बहुत ज्यादा ध्यान से इस काम को करने वाला हूं, यहां पे ज्यादा देरी का काम तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे थोड़ा सा ना इन चीजों में टाइम लगेगा यार, ठीक है। तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं अभी इसको। ये काफी मस्त चीज है भाई, बोलो कुछ भी भाई, ये काफी मस्त है कि मतलब आपको इसके अंदर फील्ड में ये चीजें बोनी है, उसके बाद इकट्ठी करनी है, ये सब करना है। अच्छा लेक्ट्यूस है भाई, ये सलाद पत्ता है हमारा, ये वो नहीं है जो मैं कह रहा था कि ये कैबेज है, नहीं ये वो नहीं है भाई, कैबेज कह रहा वो पत्ता गोभी। अब देखो यार पत्ता गोभी का मेरा नाम भी याद नहीं रहा, देखो मैं एक सडनली भूल गया, ठीक है। तो इसमें एक और तीसरा ऑप्शन आता है वो है जेड का, और जेड से ओके भाई। अच्छा भाई यहां से हम ये चीजें भी कर सकते हैं, ओके। तो फिलहाल मेरे पास में ये 13 है और मैं इसे फील्ड को भाई हैंड टू हैंड उपजाऊ बना देता हूं। चल बेटा आगे चलो, अरे ये छोड़ दिया भाई, ठीक है। अभी ये फील्ड जो है मैं यहाँ पे उपजाऊ बना देता हूँ इनको तुरंत के तुरंत, और कर देते हैं भाई अपना घास उगाम यहाँ पे, कि भाई हमें लगना चाहिए कि हम खेती वाले बंदे हैं, प्रॉपर तगड़े वाले, ऐसे टूचिया बंदे नहीं है भाई हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। और भाई रात हो गई है और यहाँ पे जो तितलियां उड़ रही है ना, ये काफी प्यारी सी है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे भाई, ये काफी प्यारी सी तितलियां हैं जो काफी धासु सी लग रही है उड़ते हुए, रात में ग्लो कर रही है भाई, ये ग्लोइंग बटरफ्लाई, मतलब ये कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है, ये काफी एक खास जगह है जहां पे भाई ये चीजें हो रखी हैं। नहीं भाई ये हम अभी नहीं उगा सकते क्योंकि उसके लिए भाई लेवल्स का होना जरूरी है, और अभी हम पता नहीं कि पहली लेवल पे क्यों घूम रहे हैं अभी तक। ओके भाई इसमें से क्या करना है, ये क्यों क्यों दिखा रहा है, ओके भाई ये क्या हुआ, अब उनको समझ नहीं पाया इस चीज को कि मतलब वेल है ये, आई थिंक ये फिशिंग वेल होगा कोई, आई रियली डोंट नो यार कि मतलब ये है क्या। ओके भाई हमने यहां से कुछ फ्रूट्स तोड़े हैं, यहां से तोड़ लिए, नथिंग टू हार्वेस्ट। ओके भाई इस वाले पेड़ पे है नहीं, ओ नहीं 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 नहीं, नहीं भाई इस पे नहीं करना था हमें कुछ भी, अरे यार इसको मैंने गलती से वो कर दिया। ओके चलो भाई 10 रुपए में यार होता है ये हार्वेस्ट, एंड 5 रुपए हमें वापस मिलते हैं चीजों के,
लेवल अप हो गया भाई हमारा, और यहाँ पे भी कुछ चीजें उगी हुई है हमारी, इनको भी मैं एक बार हार्वेस्ट कर लेता हूँ। आई डोंट नो ये जितना हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम जा रहा है ये जा कहाँ रहा है भाई। ये लो भाई ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। और भाई ये क्या है? अच्छा ये पोटैटोज है भाई। भाई बड़े मस्त आलू है यार ये क्या स्वीट पोटैटोज है? मुझे भी नहीं पता भाई ये स्वीट है या बिना स्वीट है। और मुझे अभी भाई यहाँ पे घर और बाकी काफी कुछ बनाना है। ये ब्लू ग्रेप्स है, मतलब एक तरीके में जिन्हें हम ब्लू बेरीज कह दे, ये वही है, मतलब ग्रेप्स की एक प्रजाति है भाई ये भी, जो ब्लू बेरी के नाम से जानी जाती है। ओके भाई ये स्पेस बार से ना इसका भाई ये खुल जाता है, ठीक है अगर स्पेस बार से भाई इसका ये खुल जाता है। ओबे नहीं यार, अच्छा ये शिफ्ट के साथ में खुलता है यार ये, पता है। और इसको मुझे वापस से रिसाइकल करना होगा चीज को। अभी भाई मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पे और क्या क्या चीज उगी हुई है। भाई यहाँ पे काफी कुछ उगा हुआ है, और ये देख रहे हो कहाँ तक ये फील्ड है। वो भाई यहाँ पे कुछ मुर्गियां भी हैं, ये लो बेटा खा लो। चलो ओके भाई मेरे पास में और खाना नहीं है। और ये क्या चीज है भाई? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है बाय प्रॉपर्टी का, मतलब अगर मुझे उधर की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी ना तो ही। ओके उधर की प्रॉपर्टी के लिए अलग सिस्टम है भाई। ओ भाई साहब मैंने, अरे यार ये बहुत दिक्कत हो रही है मुझसे यार, मतलब मैं इसे करना नहीं चाहता और ये बिना बात हो जाती है। ठीक है अभी एक काम करता हूँ यहां से भाग लेता हूँ। और मुझे ये देखना है भाई मैं और यहाँ पे क्या क्या क्राफ्ट क्या कर सकता हूँ। मुझे मेरे पास में 5,000 रुपए हैं फिलहाल, और सिर्फ मैं अभी चीजों को सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूँ। एग प्लांट मतलब कि बैंगन भाई मुझे 240 मिल रहा है, और आई थिंक ये हैंड टू हैंड सेल आउट हो रहा है भाई चीजें। इसका मुझे सबसे कम मिल रहा है यार, इसका 30 मिल रहा है, जबकि मुझे एग प्लांट का काफी अच्छा पैसा मिला है यार। अच्छा मुझे इन पे, हाँ भाई चीजें भी हैंड टू हैंड ही बोनी होगी, ताकि क्योंकि दूसरी चीजों को होने में टाइम लगेगा। आप ही भाई ये लेट्यूज जो है इसमें टाइम लग रहा है यार, बॉइस काफी ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूँ इसकी ना, एक सेकेंड, अरे यार ये रन ऑडियो कहाँ है ये? हाँ यार सीरियसली बहुत ज्यादा वॉइस थी यार। अच्छा यार मेरे पास में फिलहाल वेजिटेबल 20 हो गई है, फ्रूट 7 हो गए हैं, तो मुझे 20 ही करने थे, इसलिए मैं अभी और नहीं करता, वो फुल हो गया यार। अभी मैं ना फ्रूट्स ही ले लेता हूँ ज्यादा, एक काम करता हूँ इस पे से ले लिया, और किसी और पे से फ्रूट्स लेने भाई वो रहा उस वाले पेड़ पे से भी ले लेता हूँ। एक सेकेंड, ये लड़की भागती गजब है भाई, मतलब इसका भागना बड़ा गजब है भाई। ये है भाई डेजी के, एंड आई थिंक सो मेरे पास में फिलहाल फ्लावर्स की तो कमी है। हाँ भाई मेरे पास में फ्लावर्स की कमी अच्छी खासी। हाँ भाई ये डेजी के फ्लावर्स हैं, इनको मुझे पानी भी हैंड टू हैंड देना होगा। एंड ये लो भाई ये लो, अच्छा इनको पानी दूंगा ये तभी दोबारा उगेंगे भाई, ये देख रहे हो ये उगेंगे भी तभी। ये पंपकिन है भाई, ओ ये पीनट्स हैं। तो पीनट्स वाला कुछ ऐसा है कि मतलब मुझे, मेरे पास में अंडे नहीं है अभी, क्योंकि मुर्गियों ने अंडे अभी दिए नहीं है, मशरूम्स भी मेरे पास में नहीं है, और भाई पीनट्स तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे, नट्स में आएंगे ना पीनट्स, तो भाई ले लेता हूँ भाई। मुझे ना इन अलग अलग हिस्सों में वो सारी खेती करनी होगी जो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई हर किसी का एक अलग ही तरीका है चीजें के उगने का और होने का। ठीक है भाई ये रहा, मैंने भाई यहाँ से तो सब कुछ ले लिया, और मैं इसको तुरंत के तुरंत ही भाई यहाँ पे ना चीजें बो भी देता हूँ। एक काम करता हूँ यहाँ पे पीनट्स वीनट्स ही बो देता हूँ ना, और भाई मेरे फूल दोबारा उगने लग गए, देख रहे हो कितने मस्त उग रहे हैं डेजी के फूल। और भाई ये देख रहे हो ये फूल जो उड़ के जा रहे हैं, ये एक तरीके का पोलन है जो जरूरी होता है, तो भाई मैं इसको यहाँ बो देता हूँ, ये बो दिए भाई। एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे
एक यहाँ पे एंड देन दिस वन। ठीक है भाई, अब इनको पानी तो देना होगा मुझे। ठीक है भाई, अभी मेरे पास में कितना पानी है पता नहीं यार, मेरे पास में पानी की भी कितनी बूंदें हैं मुझे तो ये भी नहीं पता फिलहाल। इसमें पानी वाला इंडिकेटर कहाँ पे है यार, कि मतलब पता लगे कि इसमें पानी कितना है। मैंने यहाँ पे पानी तो दे दिया इसको, और यहाँ से भी मैंने कुछ प्लांट्स। और नहीं 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 यार, चलो यार अब हो गया तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ तक खोद देता हूँ भाई। वैसे मैं सोच रहा था ना, आगे चल के अगर ऐसा हुआ तो मैं इस पेड़ के चारों ओर ना बड़ा मस्सा शेड टाइप बना दूंगा, कि इसके अंदर ना धीरे धीरे जाके काम होगा। और ये दीदी बड़ी प्यारी है भाई, उन्होंने अंडे दे दिए मुर्गियों ने दुनिया भर के। एक बार भाई मैं यहाँ पे बुआई कर दू, कटाई कर दू, उसके बाद जाके मुझे यहां से मछलियां भी लेनी है। मछलियों का भी सीजन आया नहीं ना। ओके तो भाई मैं यहां बोने से पहले ही ये अंडे ले लेता हूं सारे के सारे, क्योंकि भाई कितने अंडे मिल गए मुझे, इनसे मुझे थोड़े अंडे मिल रहे हैं आई थिंक सो। वैसे लगता नहीं मुझे भाई, इनको 20 अंडे मतलब मिल गए होंगे मुझे, चेक करना पड़ेगा यार एक सेकंड। वो किससे आते हैं, टैब से ना यार। मुझे 4 अंडे मिले हैं कुल, तो मतलब मुझे मुर्गियों को और भी बढ़ाना होगा। इतनी सारी मुर्गियों से मुझे अगर 4 अंडे मिले तो भाई फायदा नहीं ना फिर मुझे। भाई यहां से मैंने लेट्यूस और ये वाला उगा देता हूं भाई, इसमें बहुत पैसा है। एग प्लांट में सबसे ज्यादा पैसा एग प्लांट में है यहां पे। देन ये ले कितना रहा है, 80। और भाई देता कितना है इसका, 3 गुना, मतलब जितना ये लगने में ले रहा है उससे 3 गुना ये दे देता है मुझे। तो मैं यहां पे एग प्लांट की फसल लगा दूंगा सारे में। ठीक है, मेरे पास में 10,000 रुपये हो गया भाई फिलहाल। और ये एग प्लांट की फसल ना मुझे यार काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दे ही देगी, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे चल के भी। भाई सूरज जो है आई थिंक वो ढलने लग रहा है अब दोबारा से। ये ले भाई पानी पियो, पानी डालो, तुम्हें पानी की कमी ना रह जाए, प्यासो। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मछलियां बहुत लेट पकड़ में आने वाली हैं अब, और भाई मुझे वहां से पानी भी लेना होगा। अच्छा यार, मुझे घर के लिए भी तो जगह ढूंढनी होगी ना, ऐसे थोड़ा ना मैं पूरी रात यहाँ पे ऐसे ही अनजानों की तरह भटक सकता हूँ। वैसे रात हुआ ही आ रही है भाई दोबारा से। ये लो भाई एक लाश। ठीक है भाई, अभी यहां से चलते हैं और मैं ये देख लेता हूँ भाई कि मुझे कहीं पे घर अगर बनाना है तो वो किस एरिया पे बनाना होगा। मुझे घर के लिए भी जगह देखनी होगी, एंड भाई ये घर के लिए जगह कहाँ ढूंढूं। भाई मुझे ना 4 दीवारी मिली हुई है फिलहाल, और घर के लिए तो मुझे कोई स्पेशल ऐसी कोई मतलब खास जगह है नहीं। नहीं यार, अभी मेरे पास में आई थिंक 25 है भाई, 35 है मेरे पास में। वैसे यार ये बड़ा प्यारा सा है, अगर मैं इस साइड अपना घर बनाऊं तो कैसा रहेगा ना। ठीक है भाई, मैंने एग्रीमेंट कर लिया है, और भाई इससे मैंने ना फिलहाल, ओ नहीं 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 भाई ये पानी में नहीं कूद सकती। लेकिन अगर मैं यहां पे एक अपना घर बना दूं ना इसके ऊपर जाके, यहां पे भाई बड़ा खूबसूरत रहेगा, नहीं मानते क्यों। और भाई घर बन जाएगा कैसे, ये तो वो है यार। यार इसमें फैंसीज भी तो पैसों में है, इन चीजों में है, डायमंड्स में। ओके भाई, यहाँ पे मुझे घर जैसी सुविधा कहीं पे नहीं दिख रही कि मैं जिससे घर बना पाऊं। एक सेकंड, नहीं यार मुझे मतलब इसमें घर का तो कोई लेआउट ही नहीं चमक रहा है ना भाई, ये रहा ट्री हाउस। हाँ बट मैं अभी बना नहीं सकता हूं भाई, क्योंकि मेरे पास में अभी के लिए फिलहाल के लिए जगह नहीं है। बिल्डिंग्स, शॉर्ट अवेलेबिलिटी। ये रही भाई, ये क्या है, वेजिटेबल स्टैंड। इसको कहाँ लगाऊंगा यार मैं, इसको भी देख के कहीं ना कहीं तो भाई लगाना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मशरूम्स।
ओके भाई, ये उग रही है यहाँ पे मशरूम, जिनमें अभी है टाइम उगने में, थोड़ा होने में। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे ना भाई यहाँ पे देखना होगा और चीजों को। हाँ इससे मुझे क्या मिलता है, इसमें मुझे पाई वाई डालनी पड़ती है, पता नहीं क्या होता है इससे यार। ये एक्स एंड जी, अगर मैं इसे चाहूं तो भाई यहां से ना मतलब कहीं और भी रख सकता हूं इस कुएं को। ओके तो मतलब मैं चीजों को मूव भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं चीजों को मूव नहीं कर सकता। ठीक है भाई, फिर मैं वो वाली प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, वो खरीद सकता हूँ। अबे यार मैं तो बहुत कुछ खरीद सकता हूँ यार, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर आदमी हूँ। सीरियसली आई एम टू अमीर। अभी फिलहाल मैंने ज्यादा कुछ तो यहाँ पे किया नहीं है, और इस बस स्टॉप से भाई मैं देखूँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ मुझे ये भी फिलहाल नहीं पता है। ओके भाई, इस बस स्टॉप से मैं चाहूं तो कहीं भी जा सकता हूं, बस मुझे ट्रैवल के लिए लोकेशन को चूज करना होगा। और ये लोकेशन कैसे चूज करते हैं भाई? अबे यार ये लोकेशन कैसे चूज करते हैं? आई थिंक मैंने उसके लिए ना खोला हुआ अभी, हो सकता है यार। और भाई मैं थोड़ा सा ना इस गेम में नया हूं, तो मुझे सीरियसली इस चीज के बारे में अभी ज्यादा नॉलेज है नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे भाई कुछ फसल लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फसल लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले एरिया में लेक्टोस लगा, ये लेट्यूस लगा देता हूँ, सलाद पत्ता। और यहाँ पे कुछ फसल उग जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये लगा दिया आलू, तो मैं उस साइड लगाऊंगा जहां से मैंने उखाड़े थे आलू को। वहां पे भाई मैं घर बनाऊंगा, वहां बड़ा प्यारा सा घर बनेगा उस झील पे मेरा, मतलब उस पॉन्ड के चारों ओर। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या उगा सकता हूँ मैं इसके अलावा? ग्रीन अनियन, वाओ भाई ये तो बिल्कुल ही अलग चीज मिली है मुझे, खुल गई मतलब। और पैसा यार इसमें काफी अच्छे कलेक्ट होता है हमारा, और बहुत ज्यादा तसल्ली से कलेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई, इसमें मैं एक में और उगा देता हूँ ये वाला, ये लास्ट वाला। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये दो चीजें उगा दी हैं, कद्दू उगा देता हूँ, मूंगफलियां मैंने वहां पे उगा दी है ना। तो ये वाला लेक्टोस में, लेट्यूस में और इस वाले लेट्यूस में क्या अंतर है भाई? ये 10 मिनट में, ये 45 मिनट में उगता है, आई डोंट नो ऐसी क्या दिक्कत है भाई। ठीक है भाई, मैंने फिलहाल यहाँ पे थोड़े से कद्दू, थोड़ी हरी प्याज एंड कुछ भाई मैंने यहाँ पे लेट्यूस उगा दिए है, ताकि मुझे खाने पानी की कमी ना हो आगे चल के कुछ भी। और भाई मुझे घर का भी जुगाड़ देखना होगा आगे चल के, तो फिलहाल मैं इनको पानी दे देता हूँ भाई सभी को। हाय रे हाय, ये प्यासे बेचारे मर गए, ओले ले ले। हाय रे हाय, रहा नहीं जाए ये प्यासे प्लांट जाए। ओके भाई, हमारी प्याजों को हरा कर देता है पानी दे दे के, ताकि ये और ज्यादा तगड़ी तादाद में उगे। कितना मस्त होता था अगर हम एक बार में पानी दे पाते भाई सारे प्लांट्स को, ये लो जैसे एक्चुअल खेतों में देते हैं, मतलब क्यारियां बना के एक साइड बाय साइड लाइन बना देते, तो उसमें से हम पानी दे पाते इनको। ठीक है भाई, ये हो गया। और यार उसमें ईल मछली का भी ऑप्शन आ रहा था ना, वो भी देखते हैं क्या है और क्या नहीं है अभी। ओके भाई, ये 6 मिनट 33 सेकंड में पानी देते भाई, फिर सीधा 1 मिनट घट रहा है, सीधा सीधा 1 मिनट। वैसे मैं, ओ भाई एक ही बार दे सकते हो ना पानी, तो क्या गलाएगे क्या मेरे को? ठीक है भाई, बड़ा ही मस्त सा घर बनेगा जिस टाइम पे यहाँ बनेगा। और भाई मैं फिलहाल फटाफट भाग के जाता हूँ, कद्दू बड़े प्यारे लग रहे हैं यार। ये देखो भाई, भाई मुझे लड़की का ये वाला जोश बड़ा गजब लगता है, जब ये पटक पटक के मारती है इसको ये बड़ा मस्त जोश लगता है भाई। और भाई मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आने वाला हूँ वो आर्क सर्वाइवल पे होगी, एंड वो जो वीडियो होगी वो काफी खास होने वाली है। खास इन द सेंस कि यार मैं उसमें बाई फेस खेलने वाला हूँ पहली बार, मतलब मैंने लाइव स्ट्रीम करी है 2-3 वीडियोस की, लेकिन फिलहाल आजकल भाई नेट की, मेरे यहाँ पे वाईफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसी वजह से मैं ना यार वाईफाई की वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड है नहीं। तो भाई मैंने एक 5G राउटर को ऑर्डर करा है आज, तो देखो यार वो 2-3 दिन आ जाएगा, 2-3 दिन में। तो फिर भाई वापस से लाइव स्ट्रीम होगी,
अरे यार मैं इनको अभी भी पानी दे के आई, लेट्यूस को फिर से पानी चाने लग गया लेट्यूस को, तो क्योंकि यार उनको वापस से पानी देना पड़ेगा मुझे। तो भाई जो मैं वेबकैम के साथ लेके आने वाला हूँ, मैं उसकी सेटिंग देख रहा था भाई, लेकिन मुझे ना उसकी सेटिंग आती नहीं है अभी, तो मुझे वो देखना होगा कि भाई हम वेबकैम के साथ में किस तरीके में रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने गेम को ऑफलाइन में, तो वो चीजें हैं सारी। और भाई अगर आपको कोई भी ऐसा गेम हो जो आपको ऑफलाइन देखना है लाइव स्ट्रीम पे, तो भाई आप कमेंट करो कि मुझे अभी GTA की रिक्वेस्ट आई है, तो भाई मैं GTA की रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगा। और जिस लड़की ने करी है, एक लड़की है भाई उसने करी है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, पता नहीं भाई क्या पता आपत्ति हो जाए कोई, इसीलिए तो मैं बहुत जल्द भाई उस चीज को वो करने वाला हूँ कि मतलब उनको उस गेम को लेके आने वाला हूँ बहुत ज्यादा जल्द, ठीक है। तो जैसे ही भाई वो गेम आएगा तो काफी मस्त सा गेम आएगा, ऐसा वैसा गेम नहीं आएगा, टूच ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, क्या इसमें भाई मुझे क्या करना पड़ता है इसमें बार बार, ये पता नहीं क्या करता है भाई, पैसा से लेके इसमें से पानी लेता है आई थिंक ये वेल में से, ठीक है। तो भाई मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, क्योंकि यार वो उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि भाई गेम लाया जाए, इसी एक रीजन की वजह से। फिलहाल मेरे पास में एप्पल 10 है, ये हो गए, ठीक है भाई। चलो भाई फिलहाल मेरा लेवल अप हो गया है एप्पल ट्रीज का भी, और देखो एप्पल ट्रीज का लेवल अप होने के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे भाई ये नींबू लगे हुए हैं, यहाँ पे भाई नींबू ही लगे हैं ना, हाँ लेमन ट्रीज है भाई ये, वाह यार लेमन ट्री भी है मेरे पास, तो भैया फिर लेमन चूस लो अब उन, तो भैया यहीं से लेमन को अपना पानी में डाल के पिएगा अच्छे से नकली वालों कोई। तो चलो यार ये फिलहाल आज के लिए बस इतना ही गेम होना मुमकिन था, क्योंकि भाई ये लड़की भी तो थक रही होगी बेचारी, ये भी तो सोएगी, ऐसे थोड़ा ना ये सोएगी ना बेचारी कतई। ए तितली रानी कहाँ जा रही हो यार, इन लेट्यूस को बहुत ज्यादा पानी चाह रहे हैं लेट्यूस को। तो चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप सभी भाई अपना ध्यान रखे, ज्यादा अच्छे तरीके में ध्यान रखे भाई, इधर उधर ज्यादा ना घूमे, थोड़ा अपना ध्यान रखे भाई खासकर, ठीक है। तो मैं इसमें भाई पानी देता हूँ, वही चला जाता हूँ यार, क्या फायदा, ये बेचारे मुझे गालियां दे रहे होंगे फिलहाल। अब इनको भाई एक मिनट लगेगी, मतलब भाई जो लेट्यूज टाइप की फसल है इनको भाई ज्यादा पानी की जरूरत रहती है रेदर देन आलू हरी प्याज और इन सबको, क्योंकि इसके हरे पत्ते हैं तो मतलब इसको ज्यादा नमी की जरूरत होती होगी कि मतलब ये कहीं खराब ना हो जाए। तो चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिए, भारत माता की जय। और यार चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग ऐसी गेम की अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में भाई हम फेस कैम के साथ में खेलने वाले हैं। तो चलो यार फिर बाय बाय।